नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। मोदी है तो मुमकिन है, क्या ये सच होने जा रहा है? जी हाँ, अगर कुछ टीवी चैनलों की अगर माने, कुछ न्यूज चैनलों पर भरोसा करें, उनके एग्जिट पोल को अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल मुमकिन है और सच होता नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें आज तक और इंडिया टुडे की, तो इन दोनों ने एग्जिट पोल में मोदी है तो मुमकिन है को सच दिखाया है। कल अंतिम चरण के मतदान के बाद देश के 13 मीडिया हाउसेस द्वारा एग्जिट पोल दिखाए गए थे। इन एग्जिट पोलों में सबसे ज़्यादा आज तक वह इंडिया टुडे ने एनडीए को कम से कम 339 व अधिक से अधिक 365 सीटें दिखाई हैं, जबकि पिछली बार एनडीए के पास 336 सीटें थी। ऐसे में आज तक का मानना है कि एनडीए सबसे पहले यानी 2014 के मुकाबले बहुमत के साथ इस समय आगे बढ़ रहा है। वहीं 365 सीटें दिखाई हैं। अगर एबीपी न्यूज़ की माने तो सबसे कम एनडीए को यानी 264 सीटें दिखाई है, जो बहुमत से 5 सीटें कम हैं। वहीं सभी पोल का और एनडीए की 298, यूपीए की 118, सपा बसपा की 43 व अन्य 83 सीटें दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार सभी 13 मीडिया हाउसेस की अगर बात करें तो एनडीए बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रहा है। दोस्तों, यह विभिन्न मीडिया हाउसेस द्वारा करवाए गए एग्जिट पोल का नतीजा है। हालांकि असली नतीजे 23 मई को आएंगे, लेकिन देश में अनुमान लगाए जा रहे हैं उसी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक सीटें जीत करके सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है, जहां भाजपा को कम से कम 240, अधिक से अधिक 290 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट।